जो हमारे व्यूवर हैं जो 90% वीडियो हमारी देखते हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारा चैनल जो भी वीडियो देखता है उससे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको नई से नई वीडियो अच्छी रिएक्शन मिलेगा। तो ये रिकमेंडिंग वीडियो है, हमारे एक व्यूवर ने रिकमेंड की, तो पहले देखते हैं वीडियो उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नई दिल्ली मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये तीन जो बहुत बड़े स्टेशन हैं, इन स्टेशन के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। ये आज का स्टेशन है, इसका कंप्लीट मास्टर प्लान जितना भी उसमें रेलवे की लैंड है और रेलवे के आसपास की लैंड है उन सबको दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट करके एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा इसका मास्टर प्लान बनाया गया है। ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें रूफ प्लाजा के और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहाँ पे वेट किया और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से नीचे आके प्लेटफॉर्म पे आए और प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी पकड़ी। सेम प्रिंसिपल्स पे डिज़ाइंड है अहमदाबाद का स्टेशन, ये आज का स्टेशन है। इसमें सन टेम्पल का फॉर्म डिज़ाइन एलिमेंट्स में लिया गया है। इसमें 3 लेवल्स हैं, एक लेवल है, उसके ऊपर लेवल है और तीसरा हाफ लेवल है, इस तरह से इसकी डिज़ाइन है। अगर आप देखें चारों तरफ एलिवेटेड रोड है तो एलिवेटेड रोड से बहुत ही आराम से आना जाना उसमें पॉसिबल होता है। तीसरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस, हमारी एक प्राउड हेरिटेज है शहर में और दुनिया भर में, जो हेरिटेज के खास जानकार लोग हैं उन सबको कंसल्ट करके इस स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है। हेरिटेज की भव्यता कहीं पर भी कम नहीं हो, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लो राइज बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सारा बिल्डिंग मटेरियल हेरिटेज के साथ मैच करते हुए उसको यूज़ किया जा रहा है। इसमें अंदर एकदम मॉडर्न दिखेगा, बिल्कुल जैसे बाकी रीडेवलप्ड स्टेशन हैं उन्हीं की तरह इसमें भी एक पूरा मॉडर्न रूफ प्लाजा एरिया, अराइवल डिपार्चर एरिया, कंप्लीट रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स और पैसेंजर्स का फ्लो रहेगा पीक टाइम्स में, उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा गया है कि भीड़ बिल्कुल नहीं हो, बड़े आराम से लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट कर सके। ये जो डिज़ाइंस जब हो रही थी प्रधानमंत्री जी एक एक एलिमेंट पे बारीकी से उन्होंने हर जगह रिव्यू किया, खूब टाइम दिया, जितनी बार भी मीटिंग मांगी स्टेशंस के लिए हर बार उन्होंने इसमें एक पर्सनल गाइडेंस हर वक्त पे दी। वीडियो भी खत्म। अच्छा भाई मैं तो ना हैरान हूँ, यकीन माने हैरान, मैं तो कसम से हो गया हूँ। अगर तो ये जो अहमदाबाद के बारे में ये बताया जा रहा है, ये 3D में नक्शा जो नजर आ रहा है, मैं कहता हूँ अगर तो ये 2 साल लगे, 4 या 5 साल लगे, 10 साल भी लग जाए, जब ये मुकम्मल हो जाएगा, सोचे ये जो वीडियो में दिखाया गया है, कसम से ऐसे लग रहा है कि जैसे एक यूरोप का नजारा। भाई यूरोप तो भाई यूरोप में तो ऐसे नहीं है, मैं हर चीज को ये कट कर देगा भाई, एक इंडिया की पहचान बन जाएगा ये एक बिल्कुल। और ये बुलेट ट्रेन स्टेशन, बुलेट ट्रेन का इसमें खैर लागत तो गुजार बहुत ज्यादा बनाने वाली, बहुत ज्यादा लागत। मैं अब इंडिया की सोच पर दाद देना चाहूंगा, वो टूरिस्ट को कितना कन्वेंस करने में लगे हुए हैं, वो सारा दौर जो जब तक इस तरह गुजार ये भाई इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा, टूरिस्ट तो भाई दुनिया तो देखने आएगी। फिर आप जितना मुल्क को खूबसूरत करेंगे आपके पास वर्ल्ड पूरा आएगा आपको देखने के लिए। पहले भी पहले ये नहीं कि गुलजार इंडिया के हमारी निस्बत तो 100% ज्यादा दुनिया आती है इंडिया में अभी भी। हाँ इंडिया वैसे टूरिस्ट जो इसका टूरिस्ट रेवेन्यू है वो अच्छा खासा है इंडिया। बिल्कुल भाई मैं कहता हूँ इंडिया इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा मुल्क है और बहुत अच्छा। ये अहमदाबाद मेरे ख्याल से गुजरात में ही है जितना मैं जानता हूँ, तो ये इसमें पहले मोदी साहब जब सीएम बने थे ना, वजीर आला बने थे, ये उस वक्त से ये सोच रहे कि मोदी साहब चले हुए हैं, फिर वो वजीर आजम बन गए 2014 में, फिर दोबारा फिर अब वो बने हैं,
लेकिन गुलदार तू देख ले, आप मैं इतना कह सकता हूँ, मैं गया तो नहीं इंडिया के अंदर, लेकिन जो मैंने वीडियो में देखा है ना, वैसे तो सारे हिंदुस्तान के अंदर ही बड़ा बड़ा प्लान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी हैं, जो कुछ भी उनके प्लान है मुकम्मल, कुछ हो गए हैं कुछ हो रहे हैं, लेकिन खास करके मैं तारीफ करना चाहूंगा गुजरात की। गुजरात के अंदर जो स्टेडियम है गुलदार, गुजरात में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो बड़ा स्टेडियम है वो गुजरात के स्टेडियम की पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा। फिर उसके अंदर जो ढुलेरा वो है बनी हुई, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कर ले मेरी तो बहुत ज्यादा, जो ये अब जो हमें दिखाई जा रही है वीडियो, रेलवे स्टेशन है ये, रेलवे स्टेशन देख रहे हो उधर के गुजरात के, या मेट्रो है या दूसरी है या जिस कभी हॉल से, कभी यूब भाई ऐसा सोच सकते हैं कि एक रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत हो जाएगा यार? भाई हमने तो वीडियो में देखा खूबसूरत, इंडिया में जाएंगे कभी तो पता चलेगा। तो यकूब भाई को बहुत अजीब लगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था, वो बात कर रहा है इतना खूबसूरत वो जब वीडियो चल रही है। मेरा तो यकीन माने दिल नहीं मान रहा कि नहीं, मतलब ये नहीं मान बना नहीं सकते, बना सकते लेकिन खूबसूरती देख कसम से मैं तो हैरान परेशान हो गया। डिजाइनिंग गुलजार भाई इतना अच्छा किया, जब ये बनकर तैयार होगा फिर जब वहां से अट्रैक्ट होगी तो तब तो एक बात करना चाहिए, जिसने सफर नहीं भी करना ना उसने लाजमी उस ट्रेन पर सफर करना है, और खास करके टूरिस्ट आएंगे इंडिया के अंदर वो तो जरूर चाहेंगे कि हम उस जगह पे जाएं अहमदाबाद में, और ऐसा ऐसा स्टेशन देखना चाहेंगे, एक स्टेशन नहीं वो, एक पहले भी हम उस पर रिएक्ट कर चुके हैं इंदिरा गांधी की, जिस पर पिक्चर पिक्चर इंदिरा गांधी इतना खूबसूरत है भाई, मैं कहता हूँ उसको उस रेलवे के ना मेट्रो के बारे में उसको उसको भी ये कार्ड देगा भी इतना ज्यादा। बहरहाल भाई ये अपने इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी वजह से तो आज इंडिया के एक नाम बना है दुनिया में, इंडिया एक पहचान बन चुका है, कभी हमारे साथ इंडिया भी था इस तरह का था। ये मेरे जो रिकमेंड भाई करता ना शिवाजी रसल साहब हैं, उसने ये रिकमेंड किया, वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो रिकमेंड करते हैं, उसको भी हम दाद देते हैं कि वो अच्छी वीडियो भेजते हैं, आपको भी अच्छा आपसे अपना रिएक्शन दे सके। चलिए ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छी लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।